मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में शनिवार को फिल्म बॉब बिस्वास के एक्टर अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह पहुंचे थे। आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने इन सेलिब्रिटीज का शो में स्वागत किया। इस एपिसोड में फैंस ने कपिल शर्मा की मां भी शामिल थी, जिन्होंने अपने कॉमेडियन बेटे से बातचीत के दौरान एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक्टर अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस चित्रांगदा से अपनी मां का इंट्रोडक्शन करवाते हुए उनसे शादी करने के लिए कहती रही, लेकिन अब जब कपिल शर्मा शादीशुदा हैं तो कपिल शर्मा की मां ने अपनी बहू गिन्नी चथरत को लेकर किया है बड़ा खुलासा। जी हां, यहां पर कपिल शर्मा की मां ने कहा है कि अब जब कपिल शर्मा शादीशुदा है तो माँ अपनी बहू गिन्नी चथरत के साथ घर पर नहीं बैठती है। इस पर कपिल शर्मा की माँ ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब हंस पड़े। कपिल शर्मा की माँ ने कहा, बहू मुझे बैठने नहीं देती, क्या करूं? कपिल शर्मा की माँ ने कहा, वो कहती है जल्दी जाओ शो पर, पहले ही शूट निकल जाता है। कपिल शर्मा ने शो में सभी को बताया कि उनकी मां सूरत में कौन बनेगा करोड़पति 13 की शूटिंग में उनके साथ थी। अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि कपिल को जन्म देने से पहले उन्होंने क्या खाया था। इस पर मासूमियत से जवाब दिया, दाल फुल्का। कपिल शर्मा और गिन्नी ने साल 2018 में शादी की थी। कॉलेज से वक्त से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। कपिल शर्मा ने इंटरव्यू में कहा था कि जब वो उदास होते थे या अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे तब गिन्नी चथरत उनके साथ खड़ी थी। ये है पूरी खबर कपिल शर्मा की मां को लेकर, जहां पर उन्होंने खुद अपनी बहू गिन्नी चथरत को लेकर किया बड़ा खुलासा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।